तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को रिलीज होने के लिए एक महीने से भी कम वक्त बचा है और ये हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया रिलीज करते ही रहते हैं। इस हफ्ते में भी 5 नए पोस्टर और 2 टीवी स्पॉट रिलीज हुए हैं और उनमें बहुत कुछ बताया गया है। पर हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि अभी तक स्टोरी का कुछ पता नहीं चला। तो हाँ, आज हम इसी टीवी स्पॉट के बारे में बात करेंगे जिसमें काफी सारे नए नए सीन है। तो चलिए, अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से बात करते हैं इनके बारे में। तो टीवी स्पॉट शुरू होते ही वही सेम वाला डायलॉग सुनाई देता है जो पहले वाले ट्रेलर में सुनाई दिया था, पर इस बार वांडा की आवाज में भी। तो अगले ही सीन में डॉक्टर सेन गिरा हुआ होता है जमीन पर और उसके हाथ की हथकड़ी भी टूटी हुई या फिर खुली हुई होती है। तो यार, ये सब देखने में लगता है कि मोर्डो ने किया है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला भी करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे ही सेल में पड़ा हुआ नजर आता है जैसे सेल में अमेरिका चेवेस और डेडपूल का भी एक लीग आया था। फिर आता है वांडा के बच्चों का सीन। वांडा अपने बच्चों से मिलती है, जो कि मुझे सपना लगा, क्योंकि एक पल में वो वांडा थी, दूसरे पल में स्कारलेट विच बन गई। फिर वो किसी अजीब सी चीज के साथ लड़ रहा है जिसे काफी सारे लोग कथोन कह रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कथोन एक कॉमिक का काफी पावरफुल कैरेक्टर है, वो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं आने वाला। तो यार, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वांडा, वोंग और ये जो भी चीज है, ये इस सेंटम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वोंग इनके साथ लड़ रहा है। और यार, हमें इस जगह का भी एक और शॉट दिखा जिसमें कुछ बुक सा लग रहा है, शायद ये वही बुक जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेलर में यूज करते हुए नजर आए थे। और ये बुक की जो स्टैंड है, ये हमें पोस्टर में भी दिखाई गई है। उसके बाद आता है मेरा मोस्ट फेवरेट सीन जिसमें सिनिस्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख खोलता है। यार, इस शॉट को देखने के बाद मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। मतलब जिसको तुम ट्रेलर में सिनिस्टर बोल रहे हो, उसे तुम टीवी स्पॉट में सुप्रीम स्ट्रेंज बता रहे हो? मतलब वोटिव वाला स्ट्रेंज उसी की ही तो खुली थी तीसरी आंख जब वॉचर उससे मिलने गया था। और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का भी हमें एक क्लियर शॉट दिखाया जाता है, पर यार, मार्वल पे वही भरोसा नहीं है, ये क्या बताता है क्या दिखाता है, इसलिए मूवी देखेंगे उसके बाद ही पता करेंगे। वैसे ये तो पता चल गया है कि इसमें हमें वांडा के बच्चे तो दिखने ही वाले हैं और सिनिस्टर स्ट्रेंज भी दिखेगा, क्योंकि उसका लगभग सभी में शॉट है। और इसके साथ ही इस मूवी का रन टाइम भी रिवील कर दिया गया, जो शायद 2.5 घंटे के आसपास है। पर यार, इतनी बड़ी मूवी और क्या 2.5 घंटे में खत्म होगी? मुझे तो नहीं लगता। तो यही सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।